ऑल राइट गाइस, तो हम टेयर डाउन करने वाले हैं बोट स्टोन 1000 का। तो अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसकी जो स्पीकर ग्रिल है हमको ये निकालनी होगी, तो उसको फटाफट से हम निकाल लेते हैं। एंड ये निकल चुकी है, साथ ही ये मेटल बिल्ड है जो इसके लिए एक अच्छी बात है। तो अब इसका फ्रंट पैनल ओपन करने के लिए यहाँ पे 8 स्क्रू दिए गए हैं, इन सभी को हम ओपन कर लेते हैं। तो सभी स्क्रू ओपन हो चुके हैं। अब इसके लेफ्ट पार्ट में इसके बटन्स के ऊपर जो रबर पैडिंग दी गई है इसको हम निकाल लेते हैं। एंड यहाँ पे 4 स्क्रू दिए गए हैं, इन चारों को हम ओपन कर लेते हैं। तो चारों स्क्रू निकल चुके हैं, इसके बाद इसका लेफ्ट पैनल बाहर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये रही इसकी मदरबोर्ड, यहाँ पे इसका माइक्रोफोन है। तो अब इसका फ्रंट पैनल हम बाहर निकाल देते हैं। एंड ये बाहर आ चुका है एंड इसके साथ इसका राइट पैनल भी बाहर निकल जाएगा। तो अंदर से कुछ इस तरीके का स्पीकर दिखता है। तो यहाँ पे इसका दोनों स्पीकर का कनेक्शन है एंड बैटरी कनेक्शन है, तो तीनों को हम निकाल देते हैं। एंड तीनों के कनेक्शन निकल चुके हैं, तब इसके दोनों स्पीकर हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये इसके दोनों स्पीकर्स। एंड यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कंपनी क्लेम करती है कि 14 वॉट पावर आउटपुट के साथ आते हैं, 7-7 वॉट के स्पीकर हमें इसके अंदर मिलने चाहिए। बट अगर स्पीकर के पीछे के पार्ट में हम जाते हैं तो यहाँ पे 12 वॉट मेंशन है। इसका यह मतलब हुआ कि टोटल जो इसका पावर आउटपुट है वो है 24 वॉट, बट कंपनी यहाँ पे 14 वॉट क्लेम करती है तो हम 14 वॉट ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट, अब इसकी बैटरी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू दिए गए हैं, दोनों को हम खोल लेते हैं। एंड ये रही इसकी बैटरी। एंड ये 3000 एमएच की 2-सेल बैटरी है, तो आप इसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसका बेस रेडिएटर है, तो इसमें 4 स्क्रू दिए गए हैं, चारों को हम खोल लेते हैं। तो ये रहा इसका बेस रेडिएटर, काफी ह्यूज है, इसको रखते हैं हम साइड में। साथ ही इसका स्ट्रैप निकालने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू दिए गए हैं, सभी को हम ओपन कर लेते हैं। तो अब इसकी मदरबोर्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू दिए गए हैं, चारों को हम ओपन कर लेते हैं। तो चारों स्क्रू ओपन हो चुके हैं, इसके बाद इसकी मदरबोर्ड बाहर आ जाएगी इस तरीके से। तो इसकी मदरबोर्ड में इसके सभी कंट्रोल्स दिए गए हैं, इसके साथ ही इसी में इसके पोर्ट्स दिए गए हैं, ऐसे माइक्रो यूएसबी पोर्ट हो गया इसको चार्ज करने के लिए एंड ऑक्स पोर्ट। ऑल राइट गाइस, तो मुझे आपके स्पीकर के अंदर का एक ओवरव्यू देना था एंड वो मैं आपको दे चुका हूँ। उसको फटाफट से हम क्लोज कर देते हैं, प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी मदरबोर्ड हम वापस लगा देते हैं इसमें। तो इसको कंप्लीटली क्लोज करने से पहले एक बार हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। Power on. You've plugged into Nirvana. बिल्कुल ये ऑन हो रहा है। तो अगर आप इसका नेकेड बेस टेस्ट देखना चाहते हैं, इसके सबवूफर को वाइब्रेट होता देखना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।
ऑल राइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे थे भाई सो टैकी, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।